नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कमांड प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टीज का पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन बनाया था और इसका लिंक आई बटन पे दिया हुआ है। आज हम इसमें चार टैब्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला टैब है फॉन्ट, लेआउट, कलर्स और टर्मिनल्स। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। अब फॉन्ट की तरफ चलते हैं। फॉन्ट सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे मेरा 28 का फॉन्ट है, मैं इसको थोड़ा सा 36 कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फंड साइज बढ़ती है। उसके बाद में इसको यहाँ से फंड्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए फंड भी चेंज हो गया। और क्या कर सकते हैं लेआउट में, देखिए रैप टेक्स्ट आउटपुट ऑन रिसाइज है। इसमें क्या होता है, आपको ये नए केस में जो हमारा नया टर्मिनल है इसमें इसका फीचर का पता नहीं चलता। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको यूज लीगेसी मोड में चेक करना है। हम इसे ओके करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चलते हैं और फॉन्ट लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट आउटपुट रिसाइज तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनेबल ही नहीं हुआ। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू यम प्रेस करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू यम प्रेस करता हूँ, तो देखिए क्या हो गया, यम चलता ही जा रहा है, ठीक है, चलता ही जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आगे से जाके फिर से रिटर्न आ रहा है। ये कहाँ हो सकता है इसमें प्रॉब्लम, आपकी अगर स्क्रीन छोटी हो गई हो, देखिए, ठीक है, स्क्रीन छोटी हो गई तो ये क्या होगा, ये जाएगा, ही जाएगा, आगे जाएगा, पीछे का छूट जाएगा, पीछे का आपको स्क्रीन में देखेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ से लीगेसी मोड कंसोल को आपको ऑन कर देना है, ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद में अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँ तो फ्रेश कर देते हैं, यम प्रेस करेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अभी तक इसको टेक्स्ट मोड जो है वो रैप नहीं किया था। आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट आउटपुट रिसाइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब फिर से देख ले रहे, देखिए यम, देखिए हमारी साइज छोटी है लेकिन फिर भी उसी में से स्क्रीन को आगे कट करके आपको जो रिजल्ट है वो दिखाया जाए। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा फ्रंट हो गया, लेआउट हो गया, यहाँ से आप बफर साइज भी चेंज कर सकते हैं, विंडो साइज भी चेंज कर सकते हैं, विंडो पोजीशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर भी है, जैसे हम टेक्स्ट कलर का यहाँ से चेंज करते हैं और टेक्स्ट कलर ये रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी एक कमांड लिख देते हैं, कैरेक्टर लिख देखिए, देखिए तो इस तरीके से आपकी कमांड जो कैरेक्टर से टेक्स्ट वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में स्क्रीन बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, तो हम बैकग्राउंड रेड ले लेते हैं। आप बोलेंगे रेड हुआ नहीं, तो आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे मैं CLS की कमांड दबा देता हूँ, क्लियर स्क्रीन होगी, देखिए रेड हो गया। प्रॉपर्टी में जाते हैं और पॉपअप टेस्ट कर लेते हैं। अब पॉपअप टेस्ट क्या है, पॉपअप टेस्ट को भी समझा देते हैं आपको। पॉपअप टेस्ट के लिए कलर रख लेते हैं हम ब्लू, ठीक है, और बैकग्राउंड रख लेते हैं ब्लैक। इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे F7 बटन दबाना है आपको आपके कीबोर्ड का, देखिए। तो ये F7 बटन दबाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से दिखता है और इसका यूज़ करके आप देखिए ब्लैक और 01 जो भी कमांड हमने प्रेस की थी वो सब यहाँ पे शो हो रही है। और ये इसको एस्केप बटन दबाने से ये चला जाएगा, इसके बटन दबाइए ये यहाँ से चला जाएगा। तो ये तो हुई हमारी यहाँ पे कलर सेटिंग। अब थोड़ा टर्मिनल पे चलते हैं। टर्मिनल पे देखिए, और सॉरी एक पॉइंट रह गया, ये ओपेसिटी रह गया। ओपेसिटी का कोई देखिए मतलब क्या है, ये ज़बरदस्त फीचर है। इसका ओपेसिटी मतलब इसका आपका जो कलर है आपके कमांड प्रॉम्प्ट का वो पतला सा होता है और बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ होगी यहाँ से देख सकते हैं आप। इसको देखिए 30% में आपको रखना ही है, वो ऑटोमेटिकली सेट है। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते, डार्क करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको एक बता देता हूँ। लेआउट में कलर्स में जाएंगे, कलर्स में आपको स्क्रीन बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं और इसे ओके करते हैं। और उसके बाद में और यहाँ पे CLS लिख देते हैं, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में गए और ये देखिए अब इसको ब्लैक, देखिए ब्लैक हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और पीछे का जो भी फोल्डर होगा या फाइल होगी या इमेज होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो इसका एक ये बेनिफिट है ओपेसिटी। अब टर्मिनल पे चलते हैं। टर्मिनल पे कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन आप समझा देता हूँ टर्मिनल पे क्या है। फोरग्राउंड कलर आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये करता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए आपके जो भी कमांड होगी यहाँ इस कलर से रन होगी, जो भी कमांड होगी वो यहाँ से रन हो जाएगी। उसके बाद में इसको जैसे है वैसे रख देते हैं और सेपरेटेड बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी
ठीक है, एडिट कर देता हूँ, ये सेपरेटेड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, सीएलएस कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम कमांड है, आप इसे बैकग्राउंड फोर कलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसको कलर कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको रेड ग्रीन ब्लू कौन सा कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ मिल जाएगा। ये हो गया, उसके बाद में कलर शेप समझते हैं। यूज़ लीगसी स्टाइल, तो ये जो अभी आप कर्सर शेप है ये लीगसी स्टाइल है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम अंडरस्कोर बना देते हैं। देखिए ये अंडरस्कोर आ गया, ठीक है। इसको हम और चेक करते हैं, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आ गया। तो इस तरीके से आप आपका कर्सर का साइज भी चेक कर सकते हैं। एम्प्टी बॉक्स, ये तो एक फनी है, देखिए है यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सॉलिड बॉक्स, ये भरा हुआ बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ से आपके कर्सर के शेप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इनवर्स कलर है और यूज कलर है, जो आपका कर्सर का कलर है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये कलर ले रहे हैं, देखिए कलर का साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर्सर का भी साइज चेंज कर सकते हैं। मैं इनवर्स रख देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट रहेगा, कोई दूसरा कलर नहीं लेगा। अब समझते हैं टर्मिनल स्क्रॉलिंग। टर्मिनल स्क्रॉलिंग को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ कमांड लिखते हैं, कमांड मतलब कोई कैरेक्टर रख के लिखते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रॉल देखिए, ऊपर बहुत सारे कमांड मैंने लिखी है, लेकिन मैं अभी नीचे जाना चाहता हूँ, नीचे नहीं जा सकता। नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके डिसेबल स्क्रॉल फॉरवर्ड करना है, ओके करना है। अब देखिए, ठीक है, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, ये इसका एक बेनिफिट है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस, फंड, लेआउट, कलर्स, टर्मिनल सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ऐसे कुछ नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ में शेयर करें। कुछ पॉइंट छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू।